बताए मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों मस्जिद शानदार नहीं जानदार बनाओ, आज मस्जिद रो रही है चीख रही है कहाँ गए नमाजी कहाँ गए मस्जिदों को आबाद करने वाले। जुमे का दिन आता है हमारी मस्जिदें भर जाती हैं, नीचे भी भर जाती हैं ऊपर छत भी भर जाती है, और बहुत से लोग तो मस्जिद के बाहर ही मुसल्ले बिछाकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब ये जुमे का दिन जाता है ना जाने नमाजी कहाँ गायब हो जाते हैं, जमीन इनको खा जाती है या आसमान निकल जाता है। मेरे भाइयों ये जमीनी हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما امين। प्रोग्राम की सदारत और उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए मोहतरम सदर इजलास स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज्जज मुअक्कर मुस्तनद उलमाए इकराम खालतीपुर कलिया चक के मुख्तलिफ गांवों से तशरीफ़ लाए हुए हाजरीन जलसा बुजुर्गान कौम मिल्लत नौजवान दोस्तों पर्दा नशी इज़्ज़तदार इस्लामी माओं और बहनों और प्यारे बच्चों तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई और बड़ाई हम्दो सना सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जो हम सब का अकेला खालिक मालिक है, जिसने हम सब को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जो रहमान और रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन है और जो अला कुल्ल शैइन क़दीर है। क़यामत की सुबह तक लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर तमाम रसूलों पर बिलउमूम और बिलखसूस हमारे और आपके प्यारे नबी आखिरी नबी आमना के लाल अब्दुल्लाह के बेटे फातिमा के अब्बू खदीजा के शौहर सरकारे दो आलम सैयदुल अव्वलीन इमामुल मुरसलीन सैयदुल आखिरीन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम व बारिक अलैहि। पहली मर्तबा आपकी इस बस्ती खालतीपुर में आना हुआ। जैसा कि सदर मोहतरम ने बताया कि बड़ी लंबी मुसाफत थी और ये मुसाफत 1100 किलोमीटर नहीं तकरीबन 1600 किलोमीटर की दूरी थी। मुस्तकिल जसीम भाई ये रबते में थे और पूछ रहे थे कि आप कहाँ तक पहुँचे। अल्लाह ताला ने खैर व आफियत से मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उस पर अल्लाह का शुक्र है।
और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इलाह अलामीन जो भी बातें इस प्रोग्राम के अंदर हों हम सबको कहने और सुनने के साथ साथ तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाओ। आमीन। इस कायनात पर जब आप निगाह दौड़ाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस वक्त दुनिया के हर कोने में मुसलमान परेशान है। जमीन का जर्रा जर्रा मुसलमानों पर तंग किया जा रहा है। मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। मुसलमान औरतों की इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे मासूम बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं। कभी आपने ये सोचा है कि ये मुसीबतें हम पर क्यों आ रही हैं? नहीं। आइए कुरान खोलते हैं और कुरान से इसका जवाब लेते हैं। ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس। मुनासिब ये होगा कि बच्चों को सामने से हटा दी। डिस्टर्ब ज्यादा करते हैं तो तकरीर करने में भी डिस्टर्ब होता है। इन बच्चों को किनारे कर दें और जो लोग बुजुर्ग जवान हैं वो सामने आकर के बैठ जाए। बच्चों को किनारे कर दें, आप एक तरफ कर दें बच्चों। আপনারা চুপ থাকেন, মাঝখান থেকে বলবেন না। যিনারা ডান দিকে আছেন চলে আসেন সামনে দিকে। বক্তার সামনে দিকে চলে আসেন। বক্তাকে বলতে ভালো লাগবে, শুনতে ভালো লাগবে। চলে আসেন, শুরু করেন। তো কিউ মারা যা রা হ্যায়? আল্লাহ তাআলা ফরমাতা হ্যায়, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس। इस जमीन के ऊपर, इस तरीके के ऊपर आए लोगों, ये जो तुम्हें फसाद नजर आ रहा है, बिगाड़ नजर आ रहा है, बिमा कसबत ईदी नास, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह ताला कुरान में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ईदीकुम वयअफू अन कसीर। आए लोगों, तुम पर जो भी परेशानियां आती हैं, आए लोगों तुम पर जो भी मुसीबतें आती हैं, तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हें सताया जा रहा है, तुम्हारी इज्जत व आबरू को नीलाम किया जा रहा है, तुम्हें कत्ल किया जा रहा है, तुम्हें गारत किया जा रहा है। अल्लाह ताला जवाब देता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा, जो भी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आती है, बिमा कसबत ईदीकुम, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, ये तुम्हारे अपने गुनाहों का नतीजा होता है। मालूम ये चला कि जो भी मुसीबतें मुसलमानों पर आ रही हैं, मुसलमान जरा जायजा लें कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे गुनाहों की वजह से आ रही है। एक बहुत जालिम और जाबिर बादशाह गुजरा है, नाम था उसका हज्जाज इब्न यूसुफ। उस वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनका नाम था हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। लोग हज्जाज इब्न यूसुफ की शिकायत लेकर इमाम हसन बसरी के पास जाते हैं और इमाम हसन बसरी से कहते कि आप हज्जाज इब्न यूसुफ को समझाते क्यों नहीं है? वो हम पर कितना ज्यादा जुल्म करता, कितना ज्यादा सताता है, कितना ज्यादा मारता है, आप हज्जाज इब्न यूसुफ को नसीहत क्यों नहीं करते हैं? आप उसकी इसलाह क्यों नहीं करते हैं? आप उसको समझाते क्यों नहीं है? मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगाओ, गौर करो, उस वक्त इमाम हसन बसरी ने जो जवाब दिया था वो जवाब हम लोगों को भी सुनना चाहिए।
और गौर करना चाहिए आज दुनिया के अंदर हमें मारा क्यों जा रहा है, आज लोग हम पर जुल्म क्यों कर रहे हैं। हसन बसरी ने उस मौके पर जवाब दिया था, आए हज्जाज इब्ने यूसुफ की शिकायत लेकर के आने वालों, आए हज्जाज इब्ने यूसुफ को बुरा भला कहने वालों, आए हज्जाज इब्ने यूसुफ की शिकायत करने वालों, सुन लो, इन्नल हज्जाज अदाबुल्लाह, अल्लाह ताला का अजाब हज्जाज इब्ने यूसुफ की शक्ल में अल्लाह ताला ने अपने अजाब को नाजिल किया है। इन्नल हज्जाज अदाबुल्लाह, हज्जाज ये अल्लाह ताला का अजाब है। मा जाअल हज्जाज इल्ला बिज़ुनूबिना, हज्जाज हमारे गुनाहों की वजह से हम पर मुसल्लत हुआ है, हज्जाज हमारे गुनाहों की वजह से हम तक आया है। आए कलिया चक के लोगों, आए बंगाल के लोगों, जब मुसलमान बिगड़ जाते हैं, जब मुसलमान खराब हो जाते हैं, जब मुसलमान बददीन हो जाते हैं, जब मुसलमान अपनी मस्जिदों को छोड़ देते हैं, जब मुसलमान अपने रमज़ान के रोज़ों को छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला उन पर मुसीबतों के पहाड़ नाजिल करता है। जालिम और जाबिर बादशाहों को उनके ऊपर मुसल्लत करता है, जो उनको दीन से रोकते हैं, जो हमारी मस्जिदों को बंद करते हैं, जो हमारे दीन पर पाबंदी लगाते हैं। यही हसन बसरी ने जवाब दिया था, हज्जाज हमारे गुनाहों की वजह से हम पर मुसल्लत किया गया है। दुनिया के अंदर हर जगह मुसलमान मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है। आए मुसलमानों, आज तुम अजान देते हो और अजान के अंदर मुअज्जिन ये कहता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर का मतलब ही यही होता है, अल्लाह से बड़ा दुनिया के अंदर कोई नहीं है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। तुम नमाज पढ़ते हो तो ये कहते हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो अल्लाह सबसे ज्यादा बड़ा है, अल्लाह ताला से बड़ा कोई नहीं है। आए मुसलमानों, जब तुम अल्लाह ताला को सबसे बड़ा मानते हो, जब तुम इस बात का इकरार करते हो और ये नारे तकबीर भी लगाते हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, आए मुसलमानों, तो तुम अल्लाह ताला के सामने झुकते क्यों नहीं हो, तुम अल्लाह की गुलामी अख्तियार क्यों नहीं करते हो। आए मुसलमानों, तुम अल्लाह के सामने सजदा रेज क्यों नहीं होते हो, तुम अल्लाह के गुलाम क्यों नहीं बनते हो। आज हमने अल्लाहु अकबर के हकीकी मतलब को बुला दिया, तो मेरे भाइयों, आज मुसलमान परेशान हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं, क्या क्या रीजन है, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हमें और आपको मारा जा रहा है। तीन चीजें मैं आज आपके सामने रखूंगा, सिर्फ तीन चीजें आपके सामने रखूंगा, और फिर ये बताऊंगा कि मौजूदा वक्त में हमें और आपको करना क्या है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी हमें और आपको ख्याल रखना है। तो मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं, पहली चीज जानते हो क्या है, आपको मेरी बात बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। आज मुसलमान अमल के मामले में जितना पीछे है, वो हमारे और आपके सामने, हमारी मस्जिदों में चले आओ, नमाजी नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। मुझे जसीम भाई ने बताया, ये जलसा मस्जिद के लिए हो रहा है, चंदा भी मस्जिद के लिए हो रहा है। आए लोगों, मैं तुमसे सवाल करता हूँ, मुझे ये बताओ, जिस मस्जिद के लिए प्रोग्राम हो रहा है और जिस मस्जिद के लिए तुम चंदा दे रहे हो, मुझे ये बताओ, उस मस्जिद में तुम कितनी नमाज पढ़ने के लिए जाते हो। अगर मैं इमाम साहब से सवाल करूँ, कितने लोग नमाजी फजर में होते हैं, इमाम साहब खामोश हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अपनी मस्जिदों को शानदार नहीं, अपनी मस्जिदों को जानदार बनाओ। मस्जिदों को बड़ा बना लेना, मस्जिदों को शानदार बना लेना, मस्जिदों में टाइल्स लगा लेना, पत्थर लगा लेना, नल लगा लेना, ये बड़ी चीज नहीं है। मस्जिदों को आबाद करना ये बड़ी चीज है। शायर कहता है,
मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों मस्जिद शानदार नहीं जानदार बनाओ, आज मस्जिद रो रही है चीख रही है, कहाँ गए नमाजी कहाँ गए मस्जिदों को आबाद करने वाले। जुमे का दिन आता है हमारी मस्जिदें भर जाती हैं, नीचे भी भर जाती हैं ऊपर छत भी भर जाती है, और बहुत से लोग तो मस्जिद के बाहर ही मुसल्ले बिछाकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब ये जुमे का दिन जाता है ना जाने नमाजी कहाँ गायब हो जाते हैं, जमीन इनको खा जाती है या आसमान निकल जाता है। मेरे भाइयों ये जमीनी हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज मुसलमान इसलिए मारा जा रहा है, आज वो अपनी मस्जिदों से दूर है, अमल से दूर है। और मैं आपके सामने कुरान की सूरत को भी पेश कर देता हूं। यह कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है और इस सूरत का नाम सूरतुल असर है। इसके बारे में इमाम शाफई ने फरमाया था अगर पूरा कुरान ना नाजिल होता और सिर्फ यही एक सूरत यानी सूरतुल असर ही नाजिल हो गई होती, ये भी इंसानों की हिदायत के लिए काफी थी। क्या कहा जा रहा है, हम सबको याद होगी, 5 साल के बच्चे को भी याद होगी। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सबर। अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर क्या फरमा रहा है, गौर करो कलिया चक्के लोगों। वल असर कसम है जमाने की, कसम है वक्त की, कसम है असर की। इन्नल इंसान लफी खुसर, जितने भी लोग हैं सारे के सारे खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, लॉस के अंदर, घाटे के अंदर, नुकसान के अंदर, अमीर भी घाटे के अंदर, गरीब भी घाटे के अंदर, काला भी घाटे के अंदर, गोरा भी घाटे के अंदर। दो वक्त की रोटी खाने वाला, खेत में काम करके अपने पेट को पालने वाला भी खसारे के अंदर, कलिया चक्के मार्केट में शोरूम रखने वाला भी खसारे के अंदर, बंगाल का रहने वाला भी खसारे के अंदर, यूपी का रहने वाला भी खसारे के अंदर। इन्नल इंसान लफी खुसर, जितने भी इंसान है सारे के सारे खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, घाटे के अंदर, हलाकत के अंदर है। अब सवाल ये है, जब सारे लोग खसारे के अंदर तो कामयाब कौन है, जब सारे लोग नुकसान के अंदर, लॉस के अंदर, तो फायदे के अंदर कौन है। अब बताया जा रहा है 4 चीजें जिन लोगों के अंदर हैं वो फायदे में है। पहली चीज इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह पर ईमान लेकर के आ जाए, रसूलों पर ईमान लेकर के आ जाए, उसके फरिश्तों पर ईमान लेकर के आ जाए, तकदीर के अच्छे बुरे पर ईमान लेकर के आए, किताबों पर, कयामत के दिन पर ईमान लेकर के आए। इल्लल्लज़ीन आमनू, ईमान लेकर के आ जाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम मुसलमान तो हैं लेकिन आज हम मोमिन नहीं हैं, इस्लाम के तो मानने वाले हैं लेकिन ईमान हमारे अंदर नहीं है, आज ईमान से हम कोसों दूर हैं। इल्लल्लज़ीन आमनू, ईमान लेकर के आ जाएं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, ये बताओ कि मछली कहाँ रहती है। आप कहेंगे मौलाना साहब मछली पानी के अंदर रहती है, और आप तो बंगाल के लोग हैं, बंगाली तो बगैर मछली के रह नहीं पाता है, आपको अच्छे तरीके से मालूम है मछली जमीन पे नहीं रहती है, मछली हवा में नहीं उड़ती है, मछली आपकी जेब में नहीं रहती है, मछली पानी के अंदर रहती है। और अगर मछली को मारना है तो उसको मारने के लिए पानी से बाहर निकाल दो, मछली ऑटोमेटिक तड़प तड़प के, बिलक बिलक के मर जाएगी, उसको गोली मारने की जरूरत नहीं है, उसको चाकू मारने की जरूरत नहीं है, उसको तलवार मारने की जरूरत नहीं है, बस मछली को पानी से बाहर निकाल दो, मछली अपने आप ऑटोमेटिक तड़प तड़प के मर जाएगी। अब मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, अपने दिलों को थाम करके सुनो। जिस
तरीके से मछली जब तक पानी के अंदर रहती है जिंदा रहती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने पानी को मछली की जिंदगी बनाया, पानी को अल्लाह ने मछली की लाइफ बना दिया, जीवन बना दिया। जब तक मछली पानी के अंदर रहती है जिंदा रहती है, और जब पानी से निकल जाती है मर जाती है। यही मिसाल एक मोमिन की है। जब तक मोमिन ईमान के अंदर रहता है जिंदा रहता है, कामनान रहता है, कामयाब रहता है, नमाजी रहता है, नेक रहता है, दीनदार रहता है। और जब यही मोमिन ईमान से निकल जाता है दुनिया भी तबाह हो जाती है, आखिरत भी तबाह हो जाती है। जब तक ईमान में है मोमिन कामयाब है, मोमिन फला पाने वाला है, मोमिन सितारे आजम है। और जब ईमान से निकल जाता है वही उसका अंजाम होता है जो अंजाम उस मछली का होता है जिसको तालाब से पानी से निकाल दो, यानी वो तड़प तड़प के मर जाती है। यही हाल एक मोमिन का होता है। इल्लल्लदीन आमनु, पहली चीज ईमान लेकर के आ जाए। दूसरी चीज वामिलुस्सालिहात, सिर्फ ईमान लेकर के आ जाना और सिर्फ कलमा पढ़ लेना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये समझ लेना कि सहाबा मुसलमान हो गए, अब नमाज की जरूरत नहीं है, अब रोजों की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूं, यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अल्लाह ने ईमान के फौरन बाद नेक अमल को जोड़ दिया है वामिलुस्सालिहात। आए लोगों, तुम्हें नेक अमल भी करना पड़ेगा। फजर की कड़कड़ाती सर्दी में सुबह उठकर वुजू करना पड़ेगा। अगर गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी, बर्फ सा पानी है, उस पानी में भी तुमको वुजू करना पड़ेगा। रात में बीवी से बिस्तरी की है, मुलाकात की है, सुबह फजर में आंख खुल जाती है, उठना पड़ेगा। गर्म पानी नहीं है, ठंडे पानी से ही गुसल करना पड़ेगा, लेकिन फजर की नमाज के लिए मस्जिद में हाजिर होना पड़ेगा। वामिलुस्सालिहात, गर्मी की चलचलाती धूप है, गर्मी की सड़ी गर्मी है मेरे भाइयों, तुम्हें खेत में काम करना है, भट्टी में काम करना है, फैक्ट्री में काम करना है। और ये सोचो चलो गर्मी ज्यादा है रोजा छोड़ देता हूँ, खेत में काम करना है रोजा छोड़ देता हूँ, अभी आग के सामने खाना बनाना है रोजा छोड़ देता हूँ। वामिलुस्सालिहात, मेरा दीन कहता है कि नहीं नहीं रोजा नहीं छोड़ सकते हो। अल्लाह ने अगर माल दिया है और तुम्हारी माल पर एक साल गुजर गया है और वो माल निसाब को पहुंच गया है तो उस माल पर जकात भी देना पड़ेगी। अल्लाह ने अगर तुम्हें माल दिया और दौलत दी है तो तुम्हें हज भी करना पड़ेगा। वामिलुस्सालिहात, नेक अमल भी करना है, नेक अमल भी अंजाम देना है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब नबी का नाम आए तो क्या कहे? आवाज नहीं आ रही, अभी भी आवाज मुझे उस तरीके से नहीं आई जिस तरीके से मुझे आवाज सुनना है। थोड़ा जोर से बोलिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम वला खम्स, पांच चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पहली चीज है। दूसरी चीज इकामिस्सला, नमाज को कायम करना। अल्लाह ने तौहीद के फौरन बाद नमाज का जिक्र किया, मालूम ये चला कि नमाज बहुत बड़ी इबादत है मेरे भाइयों, इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है। अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, मेरा जी चाहता है मैं अपनी जगह ईशा की नमाज में किसी और को खड़ा कर दूँ और पूरे मदीने की गलियों का चक्कर लगाऊँ और देखूँ कौन अपने घरों के अंदर है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है। जो अपने घरों के अंदर मिल जाए, मेरा जी चाहता है मैं उसके घर को आग लगा दूं। नमाज तो इतनी अहम इबादत है। आज इशा भी हमारी गोल है, रात के दो दो बजे तक, तीन तीन बजे तक मोबाइल चलाने लगते चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। मेरे भाइयों मुझे ये बताओ, जब रात के दो और तीन बजे तक मोबाइल चलाओगे तो फजर में कैसे आंख खुलेगी? जो फजर की नमाज सोने में चली जाती है,
जोहर की नमाज अपनी दुकान पे, अगर दुकान छोड़ के चले गए हमारे कस्टमर टूट जाएंगे। जोहर दुकान में चली गई, असर का भी यही हाल है। मगरिब चाय के होटलों पर चाय की चुस्कियां लेते हुए कलिया चक्के बाजार में, और ईशा अपनी फैमिली के साथ न फजर पढ़ने की तौफीक है, न जोहर पढ़ने की, न असर, न मगरिब, न ईशा। मेरे भाइयों, हमारा मजहब तो ये कहता है कि हालत जंग में हो, इदा कुंत फीहिम फअकमत लहुमुस सला, आए लोगों अगर जंग की हालत में हो, ऐसे मौके पर भी नमाज माफ नहीं है। हर हाल में आपको नमाज पढ़ना है, और नमाज पढ़ना ही नहीं है, अल्लाह के नबी ने तो औलाद को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, फरमाया मुरु औलादकुम बिस्सला वहुम अबनाउ सबई सिनीन। ओ लोगों, तुम नमाज पढ़ते हो, नहीं नहीं ये काफी नहीं है, मुरु औलादकुम बिस्सला, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो। मुरु औलादकुम बिस्सला वहुम अबनाउ सबई सिनीन, बच्चा तुम्हारा 7 साल का हो गया है, 7 साल की उम्र हो गई है, अपने बच्चे को भी कहो बेटा नमाज पढ़ो, अपने बच्चे को मस्जिद में लेकर के आओ, अपने साथ नमाज पढ़ाओ, बच्चे की उम्र 7 साल की हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कितने साल की? 60 नहीं कह रहा हूं, 60 समझ रखा है क्या ये? लेकिन हाँ, ये 60 ही हमने समझ रखा है। जब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, अब लोग मस्जिद की तरफ जाते हैं। ये 60 नहीं है, ये 7 है। 7 साल के बच्चे हो जाएं नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं वज़रिबूहुम, उनको मारो और मार करके मस्जिद में लेकर के आओ। ये नमाज कोई ऐसी इबादत नहीं, पढ़ लिया तो अच्छा, ना पढ़ा तो भी अच्छा। नहीं नहीं मेरे भाइयों, नमाज को छोड़ देना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया, नमाज को तर कर दिया, फकत कफर, काफिर हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया, इस्लाम से निकल गया। और सऊदी के उलमा का तो यहां तक कहना है, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता हो उसके जनाजे में भी शिरकत नहीं करना चाहिए, जो नमाजी ना हो उसके घर में खाना भी नहीं खाना चाहिए। अगर बीवी नमाजी नहीं है, शौहर को चाहिए तलाक दे दे, और शौहर नमाजी नहीं है, बीवी को चाहिए खुला ले ले। नमाज इतनी अहम इबादत है मेरे भाइयों, किसी भी हाल में नमाज ना छोड़ो। ट्रेन में सफर कर रहे हो, फ्लाइट में सफर कर रहे हो, नमाज उस कंडीशन में भी नहीं छोड़ना है। अगर पानी नहीं है, तयम्मुम कर लो, तयम्मुम करके मस्जिद में आना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगी, पानी ना होने की सूरत में भी नमाज माफ नहीं, तयम्मुम करके आपको मस्जिद में आना है, नमाज पढ़ना है। जहां हो, मस्जिद नहीं है वहां भी नमाज पढ़ना है, ट्रेन में हो अपनी सीट पर नमाज पढ़ लो, फ्लाइट पर अपनी सीट पे नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज हर हाल में पढ़ना है, नमाज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वामिलु सालिहात, नेक अमल करना है। वतवासौ बिलहक, हक बात की दावत भी देना है, हक बात लोगों तक पहुंचाना है। वतवासौ बिसब्र, और जब आप हक बात लोगों तक पहुंचाएंगे, जब आप दीन की दावत देंगे, आपको मार भी खाना पड़ेगी, आपको गालियां भी बर्दाश्त करना पड़ेगी, आपकी माँ और बहन को भी गाली दी जाएगी। वतवासौ बिसब्र, आपको सब्र का भी दामन पकड़ना है, आपको सब्र भी करना है। मेरे भाइयों, बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, बड़े मसाइल को सामने रखना पड़ता है। आप क्या समझते हैं यूपी से यहां तक चले आना, आपके सामने 2 घंटे बोल लेना कोई मामूली चीज है? कभी जाके सफर करके देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे कैसे लोगों से वास्ता मिलता है। आज ट्रेन में टोपी लगा के चलना, आज ट्रेन में दाढ़ी रख के चलना बहुत बड़ा मसला है, आज अजीब निगाह से देखा जाता है। कोई औरत ट्रेन में बुरका पहन के चढ़ जाए, उसको जलील समझा जाता है। आज कोई आदमी दाढ़ी
वाला हो और वो ट्रेन में सफर करे मेरे भाइयों, बड़ी हैरत की निगाह से देखा जाता है। और आपको वो मुंबई का मामला मालूम होगा, तकरीबन 4 महीने पहले का मामला मालूम होगा। एक आदमी जयपुर से मुंबई जा रहा है और एसी के 3rd क्लास में बैठा हुआ है, उसकी दाढ़ी है, मुसलमान है। एक पुलिस वाला उसको शूट कर देता है और ये कहता है भारत में अगर रहना है तो भारत माता की जय का नारा लगाना होगा, वंदे मातरम का नारा लगाना होगा। मेरे भाइयों आज ये हालात है, लेकिन मैं आपके मन से ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमें अपने वतन से मोहब्बत बहुत ज्यादा है, हमें इस भारत से बहुत प्यार है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भारत माता की जय कहो, हम नहीं कहेंगे। कोई अगर ये कहे वंदे मातरम कहो, नहीं कहेंगे। मेरे भाइयों में मोहब्बत तो अपने वतन से बहुत ज्यादा है। शायर कहता है मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, लेकिन मैं तुझे खुदा मानू ये इम्कान नहीं है। आए हिंदुस्तान की सरजमी, हम तुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन हम तुझे सजदा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी पेशानी, हमारा माथा सिर्फ एक रब्बे जुल जलाल के सामने झुकता है। हम तुझसे मोहब्बत बहुत करते हैं और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमारी मोहब्बत पर शक ना करो, हमारे देश प्रेम पर शक ना करो। अगर कभी मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जरूरत पड़ जाए, हम अपने सरों पर कफन बांध के चलने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों सब्र भी करना पड़ेगा, वतवासौ बिस्सब्र, सब्र का भी दामन पकड़ना है। आए मुसलमानों अपनी मस्जिदों को आबाद करो, जब भी मुसीबत आए अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ। हमारे नबी का तो यही हाल था, जब भी मुसीबत आती थी अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाया करते थे। जंगे बदर का मौका है, जंगे बदर का मौका है, सामने 1000 का लश्कर है और यहाँ 313 मुसलमान, वहां 3 गुना ज्यादा लश्कर है, 313 मुसलमान। मेरे नबी की निगाह पड़ती है, अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअतनी, अल्लाहुम्मा अंशुदुका अहदका ववअदक, अल्लाहुम्मा इंतहलिका दिल इसाबा اليوم لا تعبد بعد। आय अल्लाह तेरा, मैं तुझसे तेरे वादे का सवाल करता हूँ। आय अल्लाह अगर ये 313 मर गए, आय अल्लाह अगर ये 313 हलाक हो गए, अगर आज ये 313 मार दिए गए, ला तुबद बाद, आज के बाद तेरी कोई इबादत करने वाला नहीं होगा, तेरे लिए कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा, तेरे सामने सजदा करने वाला नहीं होगा। आय अल्लाह अगर ये 313 मार दिए गए, अल्लाह के नबी सजदे में गिरे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं, रब्बे कायनात के सामने गड़गड़ा रहे हैं, आंखों से आंसुओं की लड़ी, आंसुओं की झली है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, आए मेरे नबी अपने सर को उठाएं। अल्लाह के नबी अपने सर को उठाते हैं और फरमाते हैं, आए अबू बकर खुश हो जाओ, अभी मुझे जिब्राइल ने यह खुशखबरी दी है, अल्लाह ताला ने हमारी मदद के लिए इस जंग के अंदर 1000 फरिश्तों को नाजिल किया है, हमारी हेल्प के लिए, मदद के लिए 1000 फरिश्तों को नाजिल किया। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दफीन, अल्लाह ताला फरमाता है 1000 फरिश्तों को हम नाजिल करते हैं। आए मुसलमानों तुम्हारा काम लड़ना है, फतेह देना हमारा काम है। लिखने वाले लिखते हैं, कहने वाले लिख कहते हैं, जग के अंदर आलम यह था, काफिर की गर्दन पड़ी हुई है, कटा हुआ हाथ बड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं मालूम कि किसने गर्दन मारी है। एक सहाबी कहते हैं, मैं तलवार बढ़ाने वाला हूँ, तलवार अभी लगी नहीं है, गर्दन कट जाती है। ये मामला जंगे बदर का था। एक आदमी हजरत अब्बास रजी अल्लाह अनु को गिरफ्तार करके लाए एक मुसलमान, और अल्लाह के नबी से कहते हैं, आए अल्लाह के नबी मैंने इनको गिरफ्तार किया है, मैंने इनको अपना कैदी बनाया। अल्लाह वो हजरत अब्बास कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे इसने गिरफ्तार नहीं किया, मुझे तो एक ऐसे खूबसूरत आदमी ने गिरफ्तार किया जो जमीन व आसमान के दरमियान था। वो सहाबी फिर अल्लाह के नबी से कहते हैं, नहीं नहीं अल्लाह के नबी, मैंने इनको गिरफ्तार किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खामोश हो जाओ, ये छठे आसमान की मदद
थी जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी। आए मुसलमानों, आज ये अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी तरफ नजर करम करने को तैयार नहीं, आज ये तुम्हारी मदद करने को तैयार नहीं। जरा अपने गिरेबान में झांको, अपने आप का मुहासिबा करो, अपने नफ्स के अंदर देखो हम कितने ज्यादा गुनहगार हैं कि आज हम रब को पुकारते हैं, नहीं नहीं आज तुमने नेताओं को अपना मालिक समझ लिया है, आज तुमने मंत्रियों को अपना मालिक समझ लिया। कोई मुसलमान लीडर बन जाता है, हम और आप कुत्ते की तरह उसके तलवे काटते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, ये जितने भी मंत्री हैं और जितने भी मुसलमान नेता हैं, जब ये किसी ओहदे पर पहुंच जाते हैं, जब ये किसी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, इन्हें मालूम है हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इनका कदम, इनकी सीढ़ी मुसलमानों की लाश होती है, मुसलमानों की लाशों पर चढ़ के ये अपना पोजीशन बनाते हैं। और जब ये रिटायर हो जाएं, जब इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए, तब मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं। मुझे कोई एक ऐसा नेता बताओ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, एक नेता बताओ जो मुसलमानों के हक की बात करता हो। बड़ा छोड़ो, छोटा बताओ, अपने इलाके का बताओ, मेरे भाइयों कोई आपका ऐसा नहीं, आपके अपने भी नहीं है जो आपके हक की बात करें, कोई नहीं। जब अपनों से यह हाल है तो गैरों से तो और उम्मीद ना लगाओ। वलन तरदा अनकल यहूदा वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। अल्लाह ताला फरमाता है जब तक तुम इनके मजहब में दाखिल ना हो जाओ, यहूद और नसारा तुमसे राजी नहीं हो सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मुसलमान क्यों मारा जा रहा है? पहली वजह सुन लो, अमल के मैदान में पीछे। मुसलमानों के अंदर सब कुछ है, पैसे की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, घर बड़े बड़े, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो अमल नहीं है। अमल के मामले में आ गया, मुसलमान क्यों परेशान है? दूसरी वजह मेरे भाइयों, आज मुसलमान दुनिया की मोहब्बत का दीवाना बन गया है, पैसे का आशिक हो गया है। सुबह आंख खोलता है पैसा, रात में सोता है पैसा, पूरी जिंदगी पूरा 24 घंटा पैसा कमाने में गुजर रहा है। पैसा कैसे पैदा किया जाए मेरे भाइयों? ये दुनिया दुनिया दुनिया, किस दुनिया के दीवाने हो, किस दुनिया के पीछे भाग रहे हो? एक मेरे नबी हैं, हमारे सरताज हैं, कायनात के इमाम हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे हैं। एक बकरी का मरा हुआ बच्चा अल्लाह के नबी को नजर आता है। बकरी को क्या कहेंगे बंगाली में? बकरी को बकरी ही कहेंगे ना। बकरी का मरा हुआ बच्चा अल्लाह के नबी को नजर आया। आप वहां पर रुक जाते हैं, साहबान को भी आपने रोक लिया, अल्लाह के नबी उस बकरी के मरे हुए, उस वो बकरी का मरा हुआ बच्चा था, उसके अंदर से बदबू निकल रही है, सड़ा हुआ है। आपने उसका कान पकड़ा और कान पकड़ के अपने सहाबा से फरमाया, आए मेरे सहाबा, कौन है जो ये बकरी का सड़ा हुआ, मरा हुआ, गला हुआ, ये बकरी का सड़ा हुआ बच्चा मुझसे एक दिरहम में खरीदेगा? एक दिरहम एक रुपए में खरीदेगा? आज के हिसाब से देखें तो कह सकते हैं कि एक रुपए में खरीदेगा। कौन है जो ये बकरी का सड़ा हुआ गला हुआ बदबूदार जानवर बच्चा एक दिरहम में खरीदेगा? आए अल्लाह के नबी, ये तो मरा हुआ है, सड़ा हुआ, इसके अंदर से बदबू निकल रही है, एक दिरहम तो दूर की बात है, अगर आप इसे फ्री में देंगे तब भी हम लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। कोई आपसे कहे कि हम आपको बकरे का गोश्त देते हैं फ्री में, लेकिन वो बकरा मरा हुआ था, आप लेंगे? नहीं नहीं कहेंगे, फ्री में दोगे तब भी नहीं। आए अल्लाह के नबी, ये मरा हुआ है, सड़ गया है, बदबू फूट रही है,
एक दिरहम तो दूर की बात है, फ्री में अगर कोई देगा तब भी हम नहीं लेंगे। आए दुनिया कमाने वालों, आए दुनिया के पीछे भागने वालों, आए माल के लालचियों, अब मेरे नबी के अल्फाज सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फवल्लाही अल्लाह की कसम, लदुनिया आवन वल्लाही मिन हादा अलैकुम। आए मेरे सहाबा, तुम्हारी नजर में ये बकरी का मरा हुआ बच्चा जितना ज्यादा गया गुजरा है, अल्लाह ताला की नजर में ये दुनिया इस बकरी के मरे हुए बच्चे से भी ज्यादा गई गुजरी है, ये बकरी के मरे हुए बच्चे से भी ज्यादा बेकार है, ये अल्लाह की नजर में ये दुनिया की हैसियत है। हम और आप किस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, कब मर जाएं, कब मौत आ जाए। आप खालतीपुर प्रोग्राम के अंदर आए हैं, कोई 5 किलोमीटर से आया है, कोई 7 किलोमीटर से आया है, मैं 1500 किलोमीटर से आया हूं, ना आपको ये भरोसा है आप अपने घर पहुंच सकते हैं, और ना मुझे ये भरोसा है कि मैं अपने टावा पहुंच सकता हूं, जयपुर पहुंच सकता हूं। कब मौत आ जाए कोई नहीं जानता है, औलाद मर जाती है, माँ बाप जिंदा रहते हैं, मौत की तमन्ना करने वाले माँ बाप को मौत नहीं आती है, जवान बेटों के जनाजे उठाए जाते हैं, कब कौन मर जाए मेरे भाइयों कोई नहीं जानता है। ये दुनिया है, मरने के बाद आपका बाप भी काम आने वाला नहीं है, आपकी औलाद भी काम आने वाली नहीं है, आपकी बीवी भी काम आने वाली नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब लाश को और जनाजे को उठाया जाता है और कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है और जब दफन कर दिया जाता है, जब लोग मिट्टी देकर के चलते हैं, उनके कदमों की आवाज मुर्दे को सुनाई जाती है, मुर्दा उनके चलने की आवाज भी सुनता है। आज मेरा बाप भी मुझे छोड़ करके जा रहा है, मेरा भाई भी मुझे छोड़ करके जा रहा है, मेरे वो दोस्त जिनके साथ मैं चाय की चुस्कियां लिया करता था, आज वो भी कोई काम नहीं आ रहे हैं। मरने के बाद कोई काम आने वाला नहीं है, क्या काम आने वाला है? अल्लाह के नबी कहते हैं, इंसान कहता है मेरा माल माली माली, मेरा माल मेरा माल, आ इंसान तेरा माल क्या है, खा ले और हजम कर ले, पहन ले और वो सीधा कर दे, और अल्लाह ताला के रास्ते में सदका कर दे, यही तो इंसान का माल है। इंसान इंसान माल के पीछे भाग रहा है, ये माल क्या है, मरने के बाद काम आने वाला नहीं है। आज जो आदमी साबुन से नहाता है, अपने बेहतरीन बाथरूम के अंदर शावर लगा हुआ है, गीजर भी लगा हुआ है, बटन खोलता है गर्म पानी आने लगता है, गीजर चालू करता है शावर खोलता है, मर जाओगे कोई नहला कोई अपने आप नहीं, एक आदमी तुझे नहलाने के लिए आएगा। कल तक जो साबुन लगाया करता था, अच्छे अच्छे फेस वॉश लगाया करता था, शैम्पू लगाया करता था, आज नहीं, आज पानी से नहलाया जा रहा है। कल तक जो कोट पहना करता था, शेरवानी पहना करता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करता था, मरने के बाद मेरे भाइयों कोई कोट नहीं, कोई शेरवानी नहीं, कोई उम्दा लिबास नहीं, 3 कपड़ों में कफन दिया जाएगा। दुनिया के अंदर पल्सर पे चलता है, अपाचे पे चलता है, अल्लाह ने किसी को और नवाजा है वो स्विफ्ट ले लेता है, कोई बुलेर और महिंद्रा पे चलता है, कोई स्कॉर्पियो पे चलता है। मरने के बाद ना तेरी स्कॉर्पियो काम आएगी, ना तेरी बुलेरो काम आएगी, ना तेरी पल्सर काम आएगी। मरने के बाद 4 लोग तुझे कंधा देंगे और वही तुझे कब्रिस्तान लेकर के जाएंगे। तेरा बहुत बड़ा घर है, उस घर के अंदर 8 कमरे हैं, लेकिन मरने के बाद 8 कमरे नहीं, 2 गज की जमीन में तुझे दफन किया जाएगा। तेरे घर में बहुत अच्छी अच्छी लाइटें हैं, पंखे भी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कोई लाइट नहीं है, कब्र के अंदर कोई पंखा नहीं है, कब्र के अंदर कोई एसी नहीं है, सिर्फ तू है और तेरा अमल है। दुनिया में तो बॉडी गार्ड भी है, दुनिया में तेरे चाहने वाले भी हैं जिनको तू चाय पिलाया करता था, लेकिन कब्र में कोई तेरे साथ
हाथ नहीं जाएगा। तूने पूरी जिंदगी अपनी औलाद के लिए मेहनत की, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा बिजनेसमैन बन जाए, मरने के बाद तेरा बेटा अपने हाथों से तुझे मिट्टी देगा, तेरा दोस्त भी काम नहीं आएगा, तेरी बीवी भी चार दिन रोएगी, खामोश हो जाएगी, मरने के बाद तेरे कोई काम आने वाला नहीं है। ये दुनिया किस दुनिया के दीवाने हो, किस दुनिया के पीछे भाग रहे हो मेरे भाइयों? दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी ये आदमी आखरत को भूल जाए और दुनिया के पीछे लग जाए। आदमी आखरत को फरामोश कर दे, अल्लाह ताला को फराम भुला दे और दुनिया का दीवाना हो जाए, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। अल्लाह ताला फरमाता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द। आए लोगों, अल्लाह की मगफिरत की तरफ दौड़ पड़ो, दौड़ पड़ो अल्लाह की जन्नत की तरफ जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है, उस जन्नत की तरफ भागना है, इस दुनिया की तरफ नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत गरीब को भी आनी है, अमीर को भी आनी है, मौत मंत्री को भी आनी है, मौत बादशाह को भी आनी है, मौत रियाया को भी आनी है, मौत से कोई नहीं बच सकता है। सिकंदर आजम भी नहीं बचा मौत से, मेरे भाइयों कोई नहीं बचा है। बड़े बड़े बादशाह आए गुजर गए, नामो निशान नहीं। तो मालूम ये चला दुनिया के अंदर कोई कितना भी ज्यादा जुल्म कर ले, लेकिन वो मौत से नहीं बच सकता है। मौत कटाए भर किसी आने वाला है। अल्लाह ताला तो यहां तक फरमाता है कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्ह फइन्नहु मुलाकीकुम। आदमी जब कोई चोरी करता है, कोई क्राइम करता है और पुलिस ढूंढते ढूंढते उसके घर पे आती है, तो आदमी भाग जाता है कहीं कहीं पुलिस ना पकड़ ले। मुझे एक नाम याद आ रहा है विजय माल्या का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। कौन है भाई? हिंदुस्तान की बैंकों का पैसा लेके भाग गया, कहां? लंदन भाग गया या गालिबन अमरीका भाग गया ताकि यहां की पुलिस पकड़ ना पाए। लेकिन मौत के फरिश्ते ऐसे हैं, मौत की पुलिस ऐसी है। फरमाया कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्ह। आए नबी आप कह दे तुम्हें जहां भागना है भाग जाओ, जहां जाना है चले जाओ, लेकिन याद रखो अगर तुम्हारी मौत का टाइम हो गया है युद्र कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्ह फइन्नहु मुलाकीकुम। मौत तुमसे हर हाल में मुलाकात करके रहेगी, मौत से तुम बच नहीं सकते हो। बड़े बड़े किलों में छुप जाओ, मजबूत किलों में छुप जाओ, युद्रिकुमुल मौत, मौत तुमको वहां भी पकड़ के रहेगी। मेरे भाइयों, भाई जिन्हें जाना है वो अभी चले जाए, बीच में बार बार डिस्टर्ब ना करें, एक बार जिनको जाना है वो चले जाए। तकरीर सुनना फर्ज नहीं है, लेकिन फजर की नमाज का खतरा हो कि तकरीर सुनेंगे और फजर की नमाज गायब हो जाएगी तो आप जाके सो जाएंगे, ज्यादा बेहतर है। नमाज पढ़ना फर्ज है, तकरीर सुनना फर्ज नहीं है। तो मैं जिक्र ये कर रहा था मेरे भाइयों, मौत इतनी खतरनाक चीज है दुनिया के अंदर। लोग हवाई जहाज तो खरीद सकते हैं, आपका कलिया चक पूरा का पूरा खरीद सकते हैं, लेकिन कोई दुनिया के अंदर इतना पैसे वाला नहीं है जो मौत को खरीद ले। बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद है, कलकत्ता जाओ, आपकी अगर किडनी फेल हो गई है दूसरी किडनी डाली जा सकती है, आपकी अगर आंख खराब हो गई है दूसरी आंख लगाई जा सकती है, आपका अगर पैर कट गया है दूसरा पैर लगाया जा सकता है, लेकिन कोई डॉक्टर दुनिया का ऐसा नहीं है जो ये दावा करे मेरे पास एक ऐसा कैप्सूल है अगर खा लोगे तो मौत नहीं आएगी। नहीं नहीं, मौत तो हर हाल में आना है। तो मेरे भाइयों, दुनिया के दीवाने ना बनो, दीन के दीवाने बनो, जन्नत की तैयारी करो। इस दुनिया से कब चले जाओ कुछ मालूम नहीं है, कितने एक्सीडेंट आपकी नजरों के सामने हुए होंगे, कितने जनाजों को
को आपने कंधा दिया होगा, कितने लोगों को आपने कब्र के अंदर दफनाया होगा। कभी अपने गांव के कब्रिस्तान चले जाओ, फूटी कब्रें टूटी कब्रों को देखो, आपकी रूह कांप जाएगी। मेरे भाइयों, मुसलमान इसलिए मारा जा रहा है, आज वो दुनिया की मोहब्बत का दीवाना हो गया। ये दुनिया हमारे नबी की नजर में क्या है? अल्लाह के नबी एक खजूर की चटाई पर लेटे हुए हैं। नाम रसूलुल्लाह अला हसीरिन, खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर लेटे हुए हैं। और जब सो करके उठते हैं, सहाबा इकराम ने देखा अल्लाह के नबी की पीठ पर चटाई के निशान बने हुए हैं। आए गरम गरम बिस्तरों पे सोने वालों, आए मोटे मोटे कंबल ओढ़ने वालों, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जरा देखो उस नबी का हाल क्या है, जिसने खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर आराम किया, जिसने बोरियों को अपना बिछौना बनाया, अपनी ओढ़ अपना चादर बनाई। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी लेटे हुए हैं और जब उठते हैं, हमने देखा आपकी पीठ पर चटाई के निशानात बने हुए हैं। सहाबी कहते हैं लबितखदना लका विता, आए अल्लाह के नबी अगर आप इजाजत दें आपके लिए एक बिस्तर का इंतजाम कर दें। अल्लाह के नबी का जवाब सुनो, आपने फरमाया आए मेरे सहाबा माली वलिद दुनिया अना करा के बिस्तर तहत शजरा राहा ثم تركها, मेरे लिए इस दुनिया में क्या है, मैं तो दुनिया में मुसाफिर की तरह हो, एक पेड़ नजर आया, एक दरख्त नजर आया और मैं आराम करने के लिए लेट गया, दुनिया में मेरे लिए क्या है। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहा करते थे इदा अमसैत फला तंतजिर सबाह, आए लोगों जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना करना, व इदा असबहत फला तंतजिर अलमसा, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना करना, और अपनी सेहत को गनीमत जान लेना। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जो जिंदगी दी है, ये जिंदगी दुनिया वालों को राजी करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के रब को राजी करने के लिए लगा दो। इस जवानी में अल्लाह के बन जाओ, इस जिंदगी में अल्लाह के बन जाओ, और दुनिया से उतना ही दिल लगाओ जितनी जरूरत है। माल कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, घर बनाना कोई बुरी चीज नहीं है, शौक से बनाओ, शरीयत आपको नहीं रोकती है, शौक से बनाओ कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, दो बातों का ख्याल रहे। पहली बात, माल कमाने के बाद अल्लाह ताला को ना भूल जाओ, ये पहली बात है। लोग पैसा आ गया ना अपने भाई का ख्याल है, पैसा आ जाने के बाद आदमी अपने आप को ना जाने क्या से क्या समझ लेता है। पैसा आने के बाद अल्लाह ताला को ना भूलो,